नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भरतपुर जिले के सेवर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत रामपुरा के गांव जाट मडौली में जेसीबी के द्वारा रात में चोरी से गांव के तालाब से अवैध रूप से मिट्टी दोहन का कार्य हुआ। जब ग्रामीणों ने इस कार्य की जानकारी ग्राम सचिव चेतन शर्मा से की तो जांच कर कार्रवाई करने की बात बताई गई है। ग्रामीणों से मिली जानकारी में ग्रामीणों ने मिट्टी चोरी का खुलासा किया है। इस प्रकार से चोरी करके अवैध मिट्टी ढुलाई का कार्य रात में किए जाने से ग्रामीणों को जब शक हुआ तो उन्होंने इस बात की जानकारी ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को दी और साथ ही पत्रकारों को बुलाकर अवैध मिट्टी ढुलाई का कार्य किए जाने को लेकर अनैतिक कार्य करने वाले के खिलाफ भी उचित कार्रवाई करने का खुलासा किया है। ग्राम पंचायत सचिव चेतन शर्मा ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि मुझे इस प्रकरण की जानकारी ग्रामीणों द्वारा दी गई थी और मैंने पटवारी को भी इसकी जानकारी दे दी है और पटवारी की मौके पर बुलाकर पैमाइश कराई तो सरकार जमीन से मिट्टी उठाने का खुलासा हुआ है। सचिव चेतन शर्मा ने बताया है कि सरकारी भूमि से मिट्टी चोरी की गई है तो ग्रामीणों के सहयोग से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा और तो और आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। हाँ सर, क्या मामला है आपके गांव में, ये जाट मडौली में? ये अभी ग्राम पंचायत रामपुरा के गांव मडौली में से पोखर के पार से मिट्टी उठाई गई है और इसके बारे में हमें किसी भी वार्ड पंच को कोई सूचना नहीं है कि मिट्टी कहाँ डाली जा रही है, उठा करके कहाँ ले जाई जा रही है। और ये भी नहीं पता चल रहा है कि खातेदारी की जमीन से उठाई जा रही है या पोखर से उठाई जा रही है और चोरी के द्वारा रात में चुपचाप उठा ली गई है। मिट्टी रात में चोरी की गई है? हाँ, रात में भी चोरी की गई। रात में कितना चढ़ा है?